तो देखिए स्टूडेंट, डू यू नो में हमें दिया है विंड्स इन द साउथर्न हेमिस्फीयर ब्लो विथ ग्रेट वेलोसिटीज, कि साउथर्न हेमिस्फीयर में जो विंड ब्लो होती है वो ग्रेट वेलोसिटी से बहती है। क्यों? तो उसका रीजन हमें दिया है द साउथर्न हेमिस्फीयर इज मोस्टली ऑक्यूपाई बाय ओशन, क्योंकि साउथर्न हेमिस्फीयर में मोस्टली जो एरिया कवर हुआ है या फिर ऑक्यूपाई किया है वो किसने किया है? ओशंस ने। इन दिस हेमिस्फीयर द ऑब्स्टेकल कॉज बाय द रिलीफ ऑफ द लैंड सर्फेस इज ऑलमोस्ट एबसेंट। तो वहाँ पे अगर हम देखेंगे हर जगह पे पानी ही पानी है, ओशन से ही पूरा जगह जो है ऑक्यूपाई की गई है, तो वहाँ पे जो है लैंड की क्या है? कमी है, या फिर एबसेंट ऑफ लैंड, कि जमीन वहाँ पे नहीं है, या फिर जमीन का कोई भी हिस्सा वहाँ पे नहीं है, माउंटेन्स नहीं है, वैलीज नहीं है, या फिर वहाँ पे लैंड ना होने के कारण कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं होगा विंड्स को बहने के लिए, या फिर विंड्स जो ब्लो होती है जोर से या फिर ग्रेट वेलोसिटी से, किस कारण होती है? क्योंकि किसी भी तरीके का ऑब्स्टेकल वहाँ पे नहीं है। एज देर इज नो ऑब्स्टेकल विंड्स ब्लो विथ ग्रेटर वेलोसिटीज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर एज कम्पेयर टू द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो देखिए इस तरीके का अगर क्वेश्चन आपको आएगा तो इसका आंसर यही होगा, क्यों साउथर्न हेमिस्फीयर में हमें जो एयर जो विंड ब्लो होती है वो ग्रेट वेलोसिटीज से बहते हुए दिखेगी, क्योंकि वहाँ पे जो है मोस्ट ऑफ एरिया जो ऑक्यूपाई किया है ओशंस ने, जिसके कारण वहाँ पे लैंड सरफेस नहीं है, और लैंड सरफेस के एब्सेंस के कारण वहाँ पे क्या होगा? कोई भी ऑब्स्टेकल बीच में नहीं आता है, जिसके कारण विंड जो ब्लो होगी वो ग्रेट वेलोसिटी के साथ ब्लो होती है। तो यही वहां पे रीजन होगा। एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक एज फॉलोस, और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक है उनको हम देखें। फर्स्ट आपको दिया है बियॉन्ड 40 डिग्री साउथ विंड्स ब्लो विथ ट्रेमेंडियस वेलोसिटीज। तो 40 डिग्री साउथ साउथर्न हेमिस्फीयर में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे जो विंड ब्लो होती है वो काफ़ी हाई वेलोसिटी के साथ क्या होती है? बहती है। ट्रेमेंडियस मीन्स काफ़ी तेज गति से जो विंड होती है ब्लो होती है। एंड दीज विंड्स आर कॉल्ड रोरिंग 40s। तो इसे रोरिंग 40s क्यों कहा जाता है? रोर का मीनिंग हमें पता है कि जैसे कि लायन दहाड़ता है, मीन्स क्या करता है? रोर करता है। तो उसी तरीके से काफ़ी बड़ी आवाज़ आती है उस विंड से, और ये 40s डिग्री यहाँ पे दिया है, इसके लिए इसे कहा जाता है रोरिंग 40s। नेक्स्ट आपको दिया है अराउंड 50 डिग्री साउथ विंड्स आर स्टॉर्मी। तो 50 डिग्री के यहाँ पे अगर हम देखेंगे साउथर्न हेमिस्फीयर में, तो विंड्स जो होते हैं वो किस तरीके से ब्लो होंगे? स्टॉर्मी विंड्स होते हैं। स्टॉर्मी मीन्स तूफान की तरह बहने वाली। हेंस दे आर कॉल्ड फ्यूरियस 50s। तो फ्यूरियस का मीनिंग भी अगेन क्या होता है? लाउड जो नॉइज आती है, जैसे कि कोई गाड़ी का इंजन होता है तो उसका आवाज़ किस तरीके से? तेज़ी से, या फिर बड़ा आवाज़ होता है, तो उसे कहा जाता है फ्यूरियस। और ये 50 डिग्री दिया है, इसके लिए उसे नाम क्या दिया गया है उन विंड्स को? फ्यूरियस 50s। तो देखिए जिस तरीके से मीनिंग है उसी तरीके से उनको नाम भी दिए गए हैं। नेक्स्ट है द स्टॉर्मी विंड्स अराउंड 60 डिग्री साउथ मेक ट्रेमेंडियस नॉइज एंड हेंस दे आर कॉल्ड स्क्रीचिंग 60s। स्क्रीचिंग 60s का मीनिंग फिर से यहाँ पे क्या होगा? स्क्रीचिंग का मीनिंग क्या होता है? जोर से चिल्लाना या फिर चीखना जिसे हम कहते हैं। तो उसी तरीके से उस स्टॉर्मी विंड की आवाज़ आती है कहाँ पे? 60 डिग्री साउथ के यहाँ पे, इसलिए उसे नाम क्या दिया है? स्क्रीचिंग 60s दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे Why are such winds not found in the northern hemisphere at 40 degree, 50 degree and 60 degree parallels? तो देखिए जैसे हमने देखा कि southern hemisphere में सिर्फ हमें ये इस तरीके के winds क्यों blow होते हुए दिखाई देते हैं, जिसका रीज़न हमने पहले ही देखा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी लैंड का ऑब्स्टेकल नहीं आता है, हर जगह पे पानी ही पानी है, तो ऑब्स्टेकल ना होने के कारण जो है विंड काफ़ी तेज़ी से ब्लो होती है, और उनके जो आवाज़ होते हैं उनसे ही उन्हें नाम दिए गए, जैसे कि रोरिंग 40s है, फ्यूरियस 50s है, स्क्रीचिंग 60s है। लेकिन नॉर्थन हेमिस्फीयर में ऑब्स्टेकल है, वहाँ पे ज़मीन है, तो ऑब्स्टेकल होने के कारण विंड काफ़ी तेज़ी से वहाँ पे ब्लो नहीं होती है, और इस तरीके से 40 डिग्री 50 डिग्री या 60 डिग्री पे हमें इस तरीके के विंड ब्लो होते हुए नहीं दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे लोकल विंड्स। तो लोकल विंड्स क्या होता है? द विंड्स दैट ब्लो फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम ओरिजिनेट इन अ स्पेसिफिक रीजन्स एंड ब्लो, नेक्स्ट हम देखेंगे ओवर अ लिमिटेड एरिया आर कॉल्ड लोकल विंड्स। तो देखिए लोकल विंड्स का मीनिंग क्या होगा? किसी पर्टिकुलर रीजन में अगर थोड़े से ही टाइम के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर विंड ब्लो होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? लोकल विंड्स। जैसे कि हम अगर देखेंगे वेदर थोड़ा सा चेंज होता है तो कभी कभी हवा काफ़ी तेज़ी से बहने लगती है, और थोड़ी देर के बाद हम अगर देखेंगे तो ये जो विंड जो होते हैं वो शांत हो जाते हैं। तो मीन्स लिमिटेड टाइम के लिए अगर इस तरीके के विंड ब्लो होते हैं तो उन्हें लोकल विंड्स कहा जाता है। लोकल विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द रीजन वेयर दे ब्लो। तो जहाँ पे इस तरीके के लोकल विंड्स बहते हैं या फिर ब्लो होते हैं तो वहाँ पे हमें क्लाइमेट पे क्या होगा? अफेक्ट दिखाई देगा। दीज विंड्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स इन दी डिफरेंट रीजन्स वेयर दे ब्लो। तो जिस रीजन में इस तरीके के लोकल विंड्स बहते हैं तो उनके नाम भी उसी तरीके से उन्हें दिए जाते हैं।
नेक्स्ट हमें एक्टिविटी दी है. इन द एक्टिविटी गिवन बिलो कंसिडर द एलिवेशन ऑफ प्लांट, द हीटिंग एंड कूलिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द लैंड एंड वाटर, द एयर प्रेशर एक्सेट्रा. जैसे कि आपको फर्स्ट दिया है ऑब्जर्व द पिक्चर 5.4A एंड डिस्क्राइब द वैली ब्रीज विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर. देखिए आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जो ब्लू कलर के आपको एरो दिया है इसका मीनिंग क्या होगा कि एयर जो है इस तरीके से ऊपर जा रही है, वैली से ऊपर की तरफ एयर जा रही है. तो ये क्यों होता है ये हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है. तो क्यों होगा, देखिए सन की हीट के कारण यहाँ पे जब लैंड वैलीज में जो लैंड होती है, जो सरफेस होता है, अर्थ सरफेस होता है, वो क्या होगा गर्म हो जाएगा और हीट वहाँ पे ज़्यादा होने के कारण क्या होगा हवा जो होती है गर्म हो जाएगी और हवा गर्म होने के बाद क्या होती है हल्की होती है और वो लाइट होने के कारण क्या होगी फिर एयर जो है ऊपर की तरफ जाने लगेगी इस तरीके से. तो ये जो विंड्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, वैली ब्रीज कहा जाता है, क्योंकि वैलीज से वो क्या कर रहे हैं एयर जो है ऊपर की तरफ जा रही है तो इसे कहा जाएगा वैली ब्रीज. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैली ब्रीज, तो जो वैली ब्रीज है इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या आएंगे वो हमें यहाँ पे बताना होगा कि वैली बॉटम गेट्स हीटेड बिकॉज ऑफ द सनलाइट. फर्स्ट आप लिख सकते हो वहाँ पे एयर बिकम लाइट एंड इट असेंड्स एज अप स्लोप्स, कि जो भी यहाँ पे एयर गर्म हो जाएगी सनलाइट के कारण वो कहाँ पे जाएगी ऊपर की तरफ जाएगी इस तरीके से. तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे हमें लिखने होंगे जो कि आपको पॉइंट्स दिए हैं तो यहाँ पे हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे. तो देखिए स्टूडेंट हम जो है यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं कि वैलीज गेट्स हीटेड बिकॉज ऑफ द सनलाइट, कि दिन में सनलाइट के कारण क्या होगी जो भी वैलीज है यहाँ पे हीट ज़्यादा हो जाएगी जिसके कारण वहाँ पे जो एयर है वो भी क्या हो जाएगी गर्म हो जाएगी. और उसके बाद हम लिख सकते हैं कि एयर बिकम लाइट एंड इट ब्लो फ्रॉम वैलीज टू द अपवर्ड साइड या फिर अपवर्ड टू द माउंटेंस, कि बाद में अगर हम देखेंगे तो जो यहाँ पे एयर है वो गर्म हो जाएगी लाइट हो जाएगी फिर लाइट होने के बाद वो कहाँ पे जाएगी तो ऊपर के साइड में अगर माउंटेंस है तो ये माउंटेंस की तरफ क्या करेगी इस तरीके से बहने लगेगी. तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हो जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि गर्मी के कारण या फिर जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ की एयर अगर गर्म होती है तो एयर जो है क्या होगी यहाँ पे हल्की हो जाएगी और वो कहाँ पे जाने लगेगी ऊपर की तरफ जैसे कि स्काई की तरफ जाती है. तो यहाँ पे वैलीज से कहाँ पे जाने की कोशिश करेगी माउंटेन्स की तरफ जाने की कोशिश करेंगी. तो यहाँ पे कौन सा हमें एयर प्रेशर कौन सा हमें यहाँ पे मिलेगा ज़्यादा या कम, तो एयर प्रेशर जो है यहाँ पे कम हो जाएगा. नेक्स्ट पेज पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको एम्प्टी बॉक्स दिया है तो वहाँ पे हमें माउंटेन ब्रिज का डायग्राम निकालना है. एंड आपको यहाँ पे दिया है रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड ड्रॉ अ डायग्राम फॉर द माउंटेन ब्रिज अकॉर्डिंगली. तो माउंटेन ब्रिज के कैरेक्टरिस्टिक हमें यहाँ पे दिए है और हमें क्या करना है डायग्राम निकालना है. तो कैरेक्टरिस्टिक अब मैं आपको दिया है, फर्स्ट वन दिया है माउंटेन्स कूल डाउन क्विकली एट नाइट. अगर हम देखेंगे जैसे कि पहले वैलीज वाले इसमें हमें दिया था वैलीज ब्रिज में, तो वैलीज ब्रिज में क्या होगा कि दिन में जो है माउंटेन्स क्या हो जाएंगे माउंटेन्स वैली जो होती है वो जल्दी गर्म हो जाएगी, ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है तो वो एक पॉइंट हम वहाँ पे लिख सकते हैं. और यहाँ पे हमें क्या करना है कि माउंटेन्स कूल डाउन क्विकली एट नाइट, अगर रात का समय है तो माउंटेन्स जल्दी ठंडे हो जाते हैं. द वैली जोन इज़ कंपैरेटिवली वार्मर, लेकिन वैली जोन जो होता है वो कंपैरेटिवली क्या होगा गर्म होगा. एंड थर्ड पॉइंट हमें दिया है एयर प्रेशर इज़ ग्रेटर ऑन दी माउंटेन्स, अगर एयर प्रेशर हम देखेंगे माउंटेन्स के ऊपर ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पे जो है हवा ठंडी हो जाएगी हल्की हो जाएगी और फिर वो ज़मीन की तरफ मीन्स माउंटेन्स के ऊपर आने लगेगी तो वहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा. थर्ड पॉइंट अगर हम देखेंगे विंड्स ब्लो फ्रॉम दी माउंटेन्स टूवर्ड्स दी वैली, तो इसके कारण क्या होगा कि माउंटेन्स की तरफ से वैली की तरफ क्या होने लगेगी एयर ब्लो होने लगेगी. तो देखिए डायग्राम हम किस तरीके से बना सकते हैं कि ये अगर माउंटेन्स है हमारे तो एयर जो है माउंटेन्स से फिर वैलीज की तरफ इस तरीके से बहने लगेगी. जैसे कि हमने पहले डायग्राम देखा था तो वो इससे क्या होता है उल्टा था कि वैलीज से ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन माउंटेन्स में क्या होगा अगर नाइट का समय है रात का समय है तो वहाँ पे माउंटेन्स के ऊपर जो भी एयर है वो कूल डाउन हो जाएगी और वहाँ पे एयर प्रेशर बढ़ जाएगा जिसके कारण ये भी रीज़न होगा कि एयर प्रेशर माउंटेन्स के ऊपर ज़्यादा होने के कारण हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एयर क्या होती है ब्लो होती है. तो इसके कारण माउंटेन्स से फिर क्या होगा वैलीज की तरफ विंड जो है ब्लो होने लगेंगे. द हॉट एंड लाइट एयर फ्रॉम द वैली इज पुश अपवर्ड्स एंड द कूल एयर रशेज डाउन इन टू द वैली, तो वैलीज में जो भी गर्म हवा होगी वो ऊपर की तरफ चली जाएगी और जो माउंटेन्स के ऊपर कूल हवाएं जो हैवी विंड होगी वो वैलीज की तरफ आने लगते हैं.
माउंटेन विंड सेट इन आफ्टर सनसेट, तो माउंटेन विंड्स कब ब्लो होते हैं? आफ्टर सनसेट, क्योंकि सनसेट के बाद ही गर्मी होगी और हवा जो है ठंडी होगी, हेवी होगी, उसके बाद जो है माउंटेन्स के ऊपर हमें एयर प्रेशर जो है ज़्यादा दिखाई देगा, जिसके कारण माउंटेन्स की तरफ से वैली की तरफ, माउंटेन से वैलीज की तरफ क्या होगा, विंड जो है ब्लो होने लगेगा, तो उसे क्या कहा जाता है, माउंटेन ब्रीज कहा जाता है। तो कुछ इस तरीके से डायग्राम आप बना सकते हो और भी अच्छे से आप निकाल सकते हो इसे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे डू यू नो में द रीजन अप टू 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर रिमेन्स काम फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर एंड विंड्स डू नॉट ब्लो इन दिस रीजन, इट इज़ कॉल्ड द इक्वेटोरियल काम जोन और डॉल्ड्रम्स। तो उसे क्या कहा जाता है, काम बेल्ट कहा जाता है या फिर इक्वेटोरियल काम कहा जाता है एंड डॉल्ड्रम्स भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे इस तरीके के जो विंड होते हैं वो ब्लो नहीं होते हैं इसके कारण। इन द एरिया नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दैट इज बिटवीन 25 डिग्री एंड 35 नॉर्थ एंड साउथ देयर एग्जिस्ट अ हाई प्रेशर बेल्ट, दिस इज ऑल्सो अ काम बेल्ट, दिस बेल्ट इज नोन एज हॉर्स लैटिट्यूड्स। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी है जो आपको याद रखनी होगी। नेक्स्ट हमें दिया है ऑब्जर्व द डायग्राम्स गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू सी एंड लैंड ब्रिज। तो देखिए आपको पहले दिया है सी ब्रिज क्या होता है एंड नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको दिया है लैंड ब्रिज क्या होता है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए हैं उनको हम रीड करेंगे और उसके बाद जो है उनके आंसर देखने के लिए हम डायग्राम्स भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट आपको दिया है व्हाई डू द ब्रिजेस ब्लो फ्रॉम द सी टू द लैंड ड्यूरिंग द डे, कि दिन के समय में जो है सी से ज़मीन की तरफ हवा क्यों बहती है या फिर जो ब्रिजेस होते हैं वो क्यों बहते हैं। व्हेन डू द विंड्स ब्लो फ्रॉम द लैंड टू द सी, कि ज़मीन से पानी की तरफ या फिर ज़मीन से समुंदर की तरफ विंड्स कब ब्लो होते हैं और उसके पीछे क्या रीज़न होता है वो हम डायग्राम देखने के बाद देखेंगे। डिस्क्राइब द विंड शोन इन फिगर 5.5A, तो ए डायग्राम जो है उसे हम देखेंगे तो वहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। कंपेयर फिगर 5.5A एंड 5.5B विथ रेफरेंस टू टेम्परेचर कंडीशन, एयर प्रेशर एंड विंड्स। Which winds are called sea breezes and which are called land breezes? तो sea breezes किसे कहा जाता है and land breezes किसे कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। In which part of India are the land and sea breezes experienced? Do you experience sea and land breezes in your area? तो देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि sea breeze क्या है और land breeze क्या है। तो first जो diagram है उसे हम देखेंगे sea breeze। तो sea breeze क्या होता है देखिए कि कब जो है यहाँ से अगर हम देखेंगे कि सी से अगर ब्रीजेस जो विंड होती है जो हवा होती है ब्लो होती है लैंड की तरफ तो उसे कहा जाएगा सी ब्रिज। और ये कैसे होगा और कब होगा देखिए अगर दिन का समय है तो यहाँ पे क्या होता है सनलाइट के कारण जो है ज़मीन जल्दी क्या होगी हीट होती गर्म होती है कंपेयर टू वाटर, क्योंकि ज़मीन जो होती है वो क्या है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ऑपैक सब्सटेंस जिस तरीके से क्या होते हैं कि गर्म जल्दी हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे हीट जो है जल्दी ट्रांसफ़र होने लगती है। स्टेबल कोई भी अगर आप ऑब्जेक्ट लेते हो जो कि ऑपैक है और स्टेबल जिस तरीके से डेंस होता है तो वो जल्दी गर्म हो जाता है। तो उसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो लैंड जो होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है कंपेयर टू वाटर, लेकिन पानी को गर्म होने के लिए टाइम लगता है और उसे ठंडा होने के लिए भी क्या होगा टाइम लगेगा। तो दिन में क्या होगा सनलाइट के कारण जो है ज़मीन जो है जल्दी गर्म होती है और उसके बाद क्या होगा ज़मीन गर्म होने के कारण वहाँ पे जो एयर होती है लैंड के ऊपर ज़मीन के ऊपर एयर ऑन लैंड गेट्स हीटेड एंड गोज अप, तो वहाँ की जो हवा होती है वो गर्म होती है हल्की होती है और ऊपर की तरफ बहने लगती है। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो एयर कहाँ पे ब्लो होगी इस तरीके से कि ज़मीन से फिर क्या होगा कि पानी की तरफ जो है यहाँ पे हवा आने लगेगी एंड वार्म एयर कूल्स एंड कम्स डाउन, तो यहाँ पे जो है हवा ये क्या होगी पानी का अगर हम सरफेस देखेंगे तो उस टाइम क्या होगा ठंडा होगा कंपेयर टू लैंड क्योंकि पानी को गर्म होने में टाइम लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा जो भी एयर पानी के सरफेस की तरफ आएगी तो ये कूल डाउन हो जाएगी और वहाँ पे कूल होने के कारण क्या होगा हाई प्रेशर क्रिएट होगा और यहाँ पे एयर क्या हो रही है ब्लो हो रही है ज़मीन से पानी की तरफ तो यहाँ पे लो प्रेशर होगा। और जैसे कि हमें पता है हवा कैसे ब्लो करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो हवा कैसे बहेगी समुंदर से लेकर ज़मीन की तरफ जब हवा बहेगी तो उसे हम कहेंगे सी ब्रिज। देखिए जैसे कि हमें ये ब्लू कलर का एरो दिया है तो हवा कैसे बहेगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर और इसके रीज़न भी हमने देखे लो प्रेशर क्यों फॉर्म होता है ज़मीन के ऊपर
सनलाइट के कारण वहाँ पे एयर गर्म होती है, वो हल्की होती है और फिर वहाँ से ज़मीन की तरफ से बहने लगेगी। और जो वाटर होगा कंपेयर टू ज़मीन से, कंपेयर टू अगर हम कंपेयर करेंगे पानी को, तो पानी का सरफेस कूल होगा, तो उसके कारण यहाँ पे सरफेस के ऊपर आने वाली जो एयर है वो कूल हो जाएगी यहाँ पे, और कूल एयर पानी की सरफेस की तरफ आने लगेगी तो वहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है, और हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मीन्स ज़मीन की तरफ फिर हवा ब्लो होने लगती है, ब्रीजेस ब्लो होने लगते हैं, उसे सी ब्रीज कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने रीज़न देखा सी ब्रीज किसे कहा जाता है, उसका रीज़न भी देखा क्यों कहा जाता है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। और जो भी हमने क्वेश्चंस रीड किए हैं उसके आंसर आपको आ जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे लैंड ब्रिज क्या होता है। तो लैंड ब्रिज कब बहेंगे, रात के समय में, और क्यों बहेंगे वो भी हम देखेंगे। अभी देखिए, जैसे कि ज़मीन जल्दी गर्म होती है तो जल्दी ठंडी भी हो जाती है, लेकिन पानी को ठंडा होने में टाइम लगता है। मीन्स यहाँ पे एक ही चीज़ आपको याद रखनी है कि ज़मीन जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, लेकिन पानी को गर्म होने के लिए टाइम लगता है और ठंडा होने के लिए भी टाइम लगेगा। तो जैसे कि रात के समय में अगर हम देखेंगे तो जो भी एयर लैंड के ऊपर है, ज़मीन के ऊपर है, वो ठंडी होने लगेगी धीरे धीरे करके, और ज़मीन के ऊपर भी जो हवा है वो पूरी तरीके से ठंडी होने लगेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, वार्म एयर कूल्स एंड कम्स डाउन। तो जो भी ज़मीन के ऊपर हवा है, जो गर्म हवा है, वो ठंडी हो जाएगी और कहाँ पे आएगी, ज़मीन के ऊपर आएगी। तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर हमें दिखाई देगा ज़मीन के ऊपर, हाई प्रेशर दिखाई देगा। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो लो प्रेशर फॉर्म होगा, क्यों, क्योंकि पानी जो है गर्म हुआ है दिन भर में, सनलाइट के हीट के कारण गर्म हुआ है, तो रात तक वो गर्म ही रहेगा, वो जल्दी ठंडा नहीं होता है। तो वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या होगा कि जो वाटर के सरफेस के ऊपर पानी है, वो जो पानी के ऊपर जो हवा होगी वो गर्म हो जाएगी और ऊपर की तरफ जाएगी। वार्म एयर ऑन दी वाटर गोज अप, पानी के ऊपर जो भी गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ जाने लगेगी। तो वहाँ से अगर हवा ऊपर की तरफ जाएगी तो कौन सा प्रेशर वहाँ पे हमें दिखाई देगा, लो प्रेशर दिखाई देगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो देखिए, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है और यहाँ पे लो प्रेशर होता है, और क्यों होता है ये भी हमने देखा। तो ब्रिजेस किस तरीके से ब्लो होंगे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मीन्स यहाँ पे क्या है, ज़मीन है और यहाँ पे क्या है, पानी है। तो ज़मीन से पानी की तरफ जब हवा बहती है या फिर ब्रिजेस ब्लो होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, लैंड ब्रिज कहा जाता है। तो अभी आपको जो भी क्वेश्चन दिए हैं ये उनके सारे आंसर आ जाएंगे। द लैंड इज मेड अप ऑफ डेंस मैटर, लैंड इज स्टेबल एंड ओपैक, एज अ रिजल्ट हीट इज ट्रांसफर एट अ ग्रेटर स्पीड एंड इन अ हायर प्रोपोर्शन। जैसे कि हमने पहले देखा, कोई भी ऑब्जेक्ट हो या पर जो ज़मीन हमें दी है, तो ज़मीन क्या होता है, डेंस मैटर होता है उसका, और जो स्टेबल और ओपैक ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, जल्दी ही ट्रांसफर करते हैं, तो ग्रेटर स्पीड मीन्स हाई स्पीड से वो क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं। Hence land gets heated quickly, इसके कारण जो है ज़मीन जल्दी गर्म होती है। The density of water is comparatively less, लेकिन पानी की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है compared to ज़मीन के। Water is transparent and unstable, hence water does not get heated quickly, तो पानी जो है जल्दी गर्म नहीं होता है। As a result the air pressure in land and water areas is different, तो इसके कारण जैसे कि टेम्परेचर के कारण हम कहेंगे, तो जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पे एयर प्रेशर कम होता है, और जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे एयर प्रेशर क्या होता है, हमें कम ज़्यादा दिखाई देगा। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन है कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो जो एयर प्रेशर है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, एंड जहाँ पे एयर प्रेशर कम होगा वहाँ पे टेम्परेचर कम हो जाएगा तो एयर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो ये क्या होता है, यहाँ पे चेंजेस दिखाई देगा। तो ज़मीन और पानी के बीच में भी टेम्परेचर यहाँ पे दिखाई देता है कि ज़मीन गर्म होती है तो वहाँ पे क्या होगा, एयर प्रेशर कम होता है, और पानी अगर ठंडा है तो वहाँ पे एयर प्रेशर जो है डिफरेंस होने के कारण जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या होते हैं, फिर ब्रिजेस ब्लो होते हैं, तो उन्हें लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज कहा जाता है। इन द कोस्टल एरियाज लैंड गेट्स हीटेड ड्यूरिंग डे टाइम, अगर कोस्टल एरियाज में अगर हम देखेंगे तो डे टाइम में जो है ज़मीन गर्म हो जाती है। हेंस द एयर ऑन द लैंड ऑल्सो गेट हीटेड एंड द एयर प्रेशर ऑन लैंड डिक्रीजेस, अगर गर्मी ज़्यादा है तो वहाँ पे एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड द सी वाटर गेट्स हीटेड स्लोली, हेंस द एयर इज लेस हीटेड एंड द एयर प्रेशर रिमेन हाई, तो जहाँ पे सी वाटर क्या होता है धीरे धीरे करके क्या होगा, स्लोली स्लोली गर्म होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, एयर प्रेशर हाई होगा। विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड आर कॉल्ड सी ब्रिजेस, अगर समुंदर की तरफ से ज़मीन की तरफ एयर ब्लो होती है, विंड्स ब्लो होते हैं, तो उन्हें सी ब्रिजेस कहा जाता है। एट नाइट लैंड कूल्स डाउन फास्टर एज कम्पेयर टू द सी, तो समुंदर का पानी ठंडा होने में टाइम लगेगा, लेकिन जो ज़मीन वहाँ पे है कोस्टल एरियाज में, वहाँ पे नाइट में अगर हम देखेंगे तो ज़मीन जल्दी ठंडी हो जाएगी, तो वहाँ पे हमें प्रेशर ज़्यादा दिखाई देगा हवा का। हेंस
लैंड ब्रीजेस ब्लो, तो ज़मीन से समुंदर की तरफ क्या होती है, एयर बहने लगती है फ्रॉम दी लैंड टूवर्ड्स दी सी, तो इसके कारण उसे क्या कहा जाता है, लैंड ब्रिजेस कहा जाता है। बिसाइड दिस विंड्स ब्लो अंडर अ पर्टिकुलर कंडीशन इन अ डिफरेंट एरियाज, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड लोकल विंड्स। तो ऐसे जो विंड्स होते हैं पर्टिकुलर कंडीशंस में, पर्टिकुलर एरियाज में ही अगर हमें दिखाई देते हैं तो उन्हें लोकल विंड्स कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है फॉयन, चिनूक, बोरा, लू एक्सेट्रा। सी द टेबल ऑन द नेक्स्ट पेज, तो आपको नेक्स्ट पेज पे एक टेबल भी दिया है जिसमें अगर हम देखेंगे तो लोकल विंड्स क्या होते हैं और क्यों बहते हैं ये हमें समझ में आ जाएगा। तो देखिए आपको टेबल दिया है यहाँ पे, मेजर लोकल विंड्स इन द वर्ल्ड, नेम ऑफ द विंड दिया है, नेचर ऑफ द विंड, कैरेक्टरिस्टिक एंड एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस, मीन्स जिस एरिया में वो ब्लो होते हैं वो भी दिया है। तो नेम ऑफ द विंड फर्स्ट हमें दिया है लू, नेचर ऑफ द विंड कैसे होता है, हॉट एंड ड्राई विंड्स होते हैं। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे, ब्लोज इन द नॉर्थ इंडियन प्लेन्स ड्यूरिंग द समर सीजन, जनरली इन द आफ्टरनून्स दे कम फ्रॉम द हॉट थार डेजर्ट। तो जो डेजर्ट है वहाँ, थार डेजर्ट, वहाँ से ये विंड ब्लो होते हैं। नेक्स्ट है सिमोम, हॉट ड्राई एंड डिस्ट्रक्टिव विंड्स होते हैं, दीज ब्लो विथ ट्रेमेंडियस वेलोसिटीज फ्रॉम द सहारा एंड अरेबियन डेजर्ट। तो ये कहाँ से ब्लो होते हैं, अरेबियन डेजर्ट और सहारा डेजर्ट जो है वहाँ से, एंड काफ़ी तेज़ गति से आते हैं। एज दीज विंड्स आर क्वाइट स्ट्रांग दे आर डिस्ट्रक्टिव, तो ये जोर से बहने वाली जो विंड होते हैं या फिर ट्रेमेंडियस वेलोसिटी जिनकी होती है ये डिस्ट्रक्टिव होते हैं जिसके कारण काफ़ी नुकसान होता है। नेक्स्ट है चिनूक, वार्म एंड ड्राई होते हैं, दिस ब्लो डाउन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ रॉकी माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड दे कॉज द स्नो टू मेल्ट एंड इंक्रीज द टेम्परेचर इन द वैलीज। नेक्स्ट है मिस्ट्रल, कोल्ड एंड ड्राई होते हैं, दिस ब्लो इन स्पेन, फ्रांस एंड एरियाज अराउंड द मेडिटेरेनियन सी, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द अल्प्स, दिस कोल्ड विंड्स रिड्यूस द टेम्परेचर इन द कोस्टल एरियाज। एंड नेक्स्ट है बोरा, कोल्ड एंड ड्राई होते हैं, दिस ब्लो फ्रॉम द अल्प्स माउंटेन टूअर्ड द कोस्टल एरियाज ऑफ इटली। नेक्स्ट है पैम्परो, कोल्ड एंड ड्राई होते हैं, एंड दिस ब्लो अराउंड द पैम्पस ग्रासलैंड इन साउथ अमेरिका। नेक्स्ट है फॉयन, हाउ हॉट एंड ड्राई होते हैं, एंड दिस ब्लो अलॉन्ग द नॉर्थन स्लोप्स ऑफ द अल्प्स, मीन्स माउंटेन के यहाँ पे। तो ये टेबल जो आपको दिया है तो इसे अगर आप रीड करते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से लोकल विंड बहते हैं, कहाँ पे होते हैं, कौन से रीजन में, एंड उनके कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से होते हैं। सीजनल विंड्स मानसून, तो सीजनल विंड्स क्या होते हैं स्टूडेंट, की जिन विंड्स के कारण हम लोग सीजन को एक्सपीरियंस कर पाते हैं, जैसे कि मानसून, कुछ खास तरीके के विंड्स जो ब्लो होते हैं उनके कारण मानसून आता है, उन्हें क्या कहा जाता है, सीजनल विंड्स। तो कैसे वो आगे हम देखेंगे। मानसून विंड्स आर जनरेटेड ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर इन द डिफरेंट सीजन, कि जैसे हमें पता है, हमने प्रीवियस जो पार्ट्स है उनमें देखा है लैंड ब्रिजेस एंड सी ब्रिजेस क्यों होते हैं, वो हमें देखा है कि क्या रीज़न होता है। तो जो मानसून विंड जनरेट होते हैं उनके पीछे भी क्या रीज़न होता है, अनइवन हीटिंग लैंड की एंड वाटर की, उसके कारण जो है मानसून विंड्स क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। ड्यूरिंग समर्स मानसूनस ब्लो फ्रॉम द सी टू द लैंड एंड इन विंटर दे ब्लो फ्रॉम द लैंड टू द सी। तो समर सीजन में क्या होगा, देखिए आपको डायग्राम भी दिया है कि समर सीजन में क्या होता है कि सी की तरफ से जो है ज़मीन की तरफ जो है विंड इस तरीके से ब्लो होने लगते हैं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो पूरा जो पार्ट है ये ब्लू कलर का क्या है, सी होते हैं, ओशन होता है, पानी है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, जो कॉन्टिनेंट्स या फिर जो लैंड है उस तरफ क्या हो रहे हैं, विंड ब्लो हो रहे हैं। और अगर विंटर सीजन में अगर हम देखेंगे, जैसे कि नेक्स्ट हमें जो डायग्राम दिया है या पिक्चर दिया है उसमें अगर हम देखेंगे तो इस तरीके के जो विंड्स होते हैं वो ज़मीन से सी के तरफ क्या होने लगते हैं, बहने लगते हैं। तो ये आपको यहाँ पे देखना होगा कि डिफरेंसेस क्या होते हैं, कि समर सीजन में सीज के फ्रॉम सी टू लैंड जो विंड होते हैं ब्लो होते हैं, एंड विंटर में ठीक इसके उल्टा होगा। साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया आर द रीजन्स वेयर द प्रोनस इफेक्ट ऑफ दिस विंड्स आर फेल्ड, जैसे कि 5.6 जो डायग्राम हमें दिया है वहाँ पे हम देख सकते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ मानसून विंड्स इज सीन इन द समर एंड विंटर सीजन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर हम देखेंगे तो समर सीजन में जो मानसून विंड्स होते हैं ये कब आएंगे, जून टू सेप्टेम्बर मंथ जो होता है उस टाइमिंग में क्या होता है, ये मानसून विंड्स जो होते हैं वो आने लगते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ, और उसके कारण हम रेनी सीजन को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। ड्यू टू दिस विंड्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस मानसून मीन्स रेनी एंड रिट्रेटिंग मानसून सीजन्स अपार्ट फ्रॉम समर एंड विंटर। तो रिट्रेटिंग मानसून मीन्स क्या, कि
एक बार जो रेनी सीजन हो जाता है तो उसके बाद अगर हम विंटर में देखेंगे तो ये जो मानसून विंड होते हैं ये फिर वापस जाने लगते हैं, तो इसे ही क्या कहा जाता है, रिट्रेटिंग मानसून, कि ये वापस जाने लगते हैं। और अगर समर सीजन के बाद जो रेनी सीजन स्टार्ट होता है तो उसमें क्या होता है, सी की तरफ से, लैंड की तरफ इस तरीके से विंड आने लगते हैं जो कि साउथ वेस्ट सीजनल विंड्स उन्हें कहा जाता है। और सीजनल विंड्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनके कारण ही सीजन्स हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं। अगर रेनी सीजन है तो क्यों आएगा, क्यों सी की तरफ से जो हवा आने लगती है, जो विंड ब्लो होने लगती है जमीन की तरफ, उसके कारण ही मानसून जो है वो हम फील कर पाते हैं और रेनी सीजन स्टार्ट होता है। अगर विंटर सीजन की बात करेंगे तो उस टाइम में जो विंड ब्लो होते हैं वो लैंड टू सी ब्लो होने लगेगी, जिसके कारण हम क्या करते हैं, विंटर सीजन महसूस कर पाते हैं या फिर फील कर पाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया है पिक्चर में, तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो पिंक कलर में आपको दिया है वो है, एंड मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर बेल्ट जो है वो येलो कलर में आपको दिया है, कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फिर क्या हो रहा है, इस तरीके से विंड ब्लो हो रहे, जो रीजन हमने प्रीवियस पार्ट में भी देखे हैं। मानसून विंड्स आर इन फैक्ट सी एंड लैंड ब्रिजेस ब्लोइंग ऑन अ लार्ज स्केल। एक्चुअल में मानसून विंड्स होते क्या है, तो जो सी ब्रिजेस, लैंड ब्रिजेस हमने देखे, उनके रीजंस भी हमने देखे कि हाई प्रेशर जब लैंड के ऊपर होता है तो उस टाइम लैंड से फिर वाटर की तरफ जो है, सी की तरफ जो है ब्रिजेस या फिर विंड जो है ब्लो होने लगती है, उसे हम क्या कहते हैं, लैंड ब्रिजेस कहते हैं। और सी ब्रिजेस क्या होते हैं, जिस टाइम समुंदर से ज़मीन की तरफ विंड ब्लो होने लगती है तो उसे सी ब्रिजेस कहते हैं। तो एक्चुअल में मानसून विंड्स भी क्या है, एक तरीके से ब्रिजेस ही है। मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज द इफेक्ट ऑफ मानसून विंड्स। और मोस्ट जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मानसून विंड्स होते हैं वो किसके कारण, प्रेसिपिटेशन जो होता है उसके कारण हमें दिखाई देगा। आफ्टर क्रॉसिंग द इक्वेटर दे ब्लो फ्रॉम द साउथ वेस्ट टूअर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। जैसे कि हम फिर से डायग्राम अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर है इससे ये क्या कर रहे हैं, इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो किस तरीके से आपको दिख रहा है, साउथ वेस्ट दिख रहा है, तो इसके कारण उन्हें साउथ वेस्ट सीजनल विंड्स कहा जाता है। और ये कब ब्लो होते हैं, जून के बाद, तो इसीलिए हम जून टू सेप्टेम्बर जो है रेनी सीजन हमारे इंडिया में दिखाई देता है। दे आर कॉल्ड द साउथ वेस्ट मानसून, दे आर फुल ऑफ मॉइस्चर, तो इनमें काफ़ी मॉइस्चर होता है। फ्रॉम सेप्टेम्बर टू डिसम्बर बिकॉज ऑफ द लो प्रेशर एरिया डेवलपिंग नियर द इक्वेटर विंड्स फ्लो फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट टूवर्ड्स द इक्वेटर। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा कि जो विंड ब्लो हो रहे हैं ये किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट टू रिट्रेटिंग मानसून मीन्स वापस जा रहा है इक्वेटर की तरफ, तो इन्हें क्या कहा जाता है, दिस आर कॉल्ड द नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड कहा जाता है, एंड दे आर ड्राई विंड्स। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे साइक्लोन्स। साइक्लोनिक कंडीशंस आर क्रिएटेड व्हेन अ लो प्रेशर एरिया इज सराउंडेड बाय हाई प्रेशर एरिया। तो साइक्लोन्स कब फॉर्म होते हैं, जबकि कोई रीजन है जहाँ पे लो प्रेशर है एंड सराउंडेड बाय हाई प्रेशर, उसके सराउंडिंग में सारी तरफ से क्या होगा, कौन सा प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा, उस टाइम साइक्लोन फॉर्म होते हैं। इन दिस कंडीशंस विंड स्टार्ट ब्लोइंग टुवर्ड्स दी लो प्रेशर एरिया फ्रॉम दी सराउंडिंग हाई प्रेशर एरिया। तो देखिए पहले हम डायग्राम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि सेंटर में क्या है, लो प्रेशर है, और इसके सराउंडिंग में क्या है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, ये पूरा क्या है, हाई प्रेशर है। और जैसे कि हमें पता है कि हवा हमेशा विंड जो ब्लो होते हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या होते हैं, ब्लो होते हैं, तो अगर सराउंडिंग में हाई प्रेशर है तो यहाँ पे विंड किस तरीके से ब्लो होगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मीन्स बाहर की तरफ से सेंटर की तरफ हवा जो है बहने लगेगी, और इसी कारण क्या होते हैं, साइक्लोन फॉर्म होते हैं। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ साइक्लोनिक विंड्स इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर मूव इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे जो साइक्लोन होते हैं उनकी डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। एंड वेयर एज दे मूव इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द साउथर्न हेमिस्फीयर, अगर साउथर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन फॉर्म होते हैं तो उनका डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये डिफरेंसेस क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, तो ये रीजन भी आपको यहाँ पे समझने होंगे। ड्यूरिंग द साइक्लोन द स्काई इज क्लाउडी, जब साइक्लोन आते हैं तो स्काई कैसे दिखेगा, क्लाउडी दिखेगा। विंड्स ब्लो विद अ वेरी हाई वेलोसिटी, और जो विंड ब्लो होते हैं उनकी वेलोसिटी स्पीड काफ़ी तेज़ होता है। एंड इट रेन्स हेविली, और जो बारिश होती है वो काफ़ी हेविली होती है। द एरिया अफेक्टेड बाय साइक्लोन इज लिमिटेड, लेकिन साइक्लोन से जो भी एरिया अफेक्टेड होता है वो लिमिटेड ही होता है। द ड्यूरेशन वेलोसिटीज डायरेक्शन एंड प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ दिस विंड इज अनप्रेडिक्टेबल,
कि हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते कि कोई डायरेक्शन, कोई साइक्लोन जो फॉर्म होगा उसका ड्यूरेशन क्या होगा या फिर उसका स्पीड कितना होगा। कभी कभी स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा स्पीड होता है, बाद में वो कम हो जाता है, उसका डायरेक्शन क्या होगा वो भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। सी द इमेज ऑफ ए साइक्लोन ऑब्टेन बाय अ सैटेलाइट इन फिगर 5.8। तो सैटेलाइट के थ्रू अगर इसका पिक्चर हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो देखिए, साइक्लोन जो है कुछ जो है समुद्र में भी होते हैं और कुछ ज़मीन के ऊपर भी हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जो आपको पिक्चर दिया है ये सैटेलाइट के थ्रू क्या किया गया है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे आगे देखेंगे। ऑन वेदर मैप्स द सेंटर ऑफ ए साइक्लोन इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एल। अ साइक्लोन सिस्टम मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो अगर हम सेंटर देखेंगे तो इस सेंटर को किस लेटर से डिनोट किया जाता है, एल से, कि एल जो है सेंटर में लिखा जाएगा जहाँ पे लो प्रेशर है, इसके कारण एल दिया है, और सराउंडिंग में क्या है, हाई प्रेशर है, तो विंड जो ब्लो होगी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इस तरीके से ब्लो होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे साइक्लोनिक स्टॉर्म्स क्या होते हैं। साइक्लोन्स ऑकरिंग इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन अलोंग द कोस्ट ऑफ जापान, चाइना, फिलीपींस एक्सेट्रा आर नोन एज टाइफूंस। तो टाइफूंस का मीनिंग ही क्या होता है, तूफान, तेज तूफान वगैरह आते हैं तो उसे टाइफूंस कहा जाता है। और ये मेनली कहाँ पे हम देख पाते हैं, वेस्टर्न पार्ट जो पैसिफिक ओशन का पार्ट है जहाँ पे कोस्ट रीजन है जापान का, चीन का एंड फिलीपींस का। दीज स्टॉर्म्स अराइज इन द मंथ बिटवीन जून एंड अक्टूबर। तो ये जो स्टॉर्म्स हमें दिखाई देते हैं कब दिखाई देंगे वहाँ पे, जून एंड अक्टूबर के मंथ्स में, उनके बीच में। ड्यू टू हाई वेलोसिटी विंड्स एंड हैवी रेन्स दिस प्रूव टू बी डिस्ट्रक्टिव। तो उनकी वेलोसिटी मीन्स स्पीड अगर ज़्यादा है या फिर वहाँ पे हैवी रेन होती है तो वो डिस्ट्रक्टिव साबित होते हैं, जिसके कारण लोगों की जान जा सकती है, प्रॉपर्टी भी लॉस हो सकती है। द साइक्लोन इन द कैरिबियन सी आर नोन एज हेरिकेन्स। तो हेरिकेन्स का मीनिंग भी अगेन क्या होता है, तेज हवा या फिर आंधी तूफान जिसे कहा जाता है। तो उन्हें ये नाम दिया गया है कि जो साइक्लोन्स कैरिबियन सी में आते हैं तो उन्हें हरिकेन्स नाम दिया गया है। दीज आर ऑल्सो डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। तो ये भी डिस्ट्रक्टिव होते हैं, जिसके कारण डिस्ट्रक्शन होता है, जो भी प्रॉपर्टी होती है उनकी या फिर लाइफ भी लॉस्ट होती है। ड्यूरिंग दिस स्टॉर्म्स द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द विंड इज 60 किलोमीटर पर आवर। तो इनकी स्पीड भी यहाँ पे दी है कि 60 किलोमीटर पर आवर तेजी से वो बहते हैं। साइक्लोन्स आर ऑल्सो ओरिजिनेट इन द टेम्परेट जोन बट दे आर नॉट सो पावरफुल एंड हेंस आर नॉट डिस्ट्रक्टिव। तो साइक्लोन्स जो होते हैं टेम्परेट जोन में भी फॉर्म होते हैं लेकिन वो इतने डिस्ट्रक्टिव नहीं होते हैं, जिसके कारण जो है नुकसान नहीं होता है लोगों को या फिर नेचर को। एंटी साइक्लोन्स क्या होते हैं, अंडर स्पेसिफिक एटमोस्फेरिक कंडीशन द एयर प्रेशर इन अ पर्टिकुलर रीजन इंक्रीजेस एंड द प्रेशर इन द सराउंडिंग एरियाज रिमेन लो। तो यहाँ पे क्या है, जो साइक्लोन्स हमने देखी थी उनकी जो कंडीशंस थी उनके ठीक अपोजिट कंडीशंस एंटी साइक्लोन में हमें दिखाई देगी, कि यहाँ पे सेंटर जो है वहाँ पे हाई प्रेशर होगा और उसकी सराउंडिंग में लो प्रेशर होगा। तो यहाँ पे किस तरीके से विंड ब्लो होगी, सेंटर टू जो बाहर का बाहरी जो एरिया होगा उसकी तरफ क्या होती है, विंड ब्लो होगी। इन दिस सिचुएशन विंड ब्लो फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द सराउंडिंग एरियाज इन अ सर्कुलर मैनर। इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर दिस विंड्स ब्लो इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वेयर एज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर क्या हो गए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो ब्लो होते हैं। ड्यूरिंग एंटी साइक्लोन्स द स्काईज आर क्लियर। लेकिन एंटी साइक्लोन जो फॉर्म होते हैं तो वहाँ पे स्काई क्लियर होता है, जो विंड्स ब्लो होते हैं उनकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी साइक्लोन की होती है, और वेदर इज प्लीजेंट में शांत वेदर होता है जब एंटी साइक्लोन फॉर्म होते हैं। एंटी साइक्लोन जनरली लास्ट फॉर अ फ्यू डेज और अ वीक। सच एंटी साइक्लोन्स ओरिजिनेट इन अ टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन में साइक्लोन्स काफ़ी कम होते हैं तो एंटी साइक्लोन जो है वहाँ पे ही दिखाई देते हैं, जो कि ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होते क्योंकि उनका स्पीड भी ज़्यादा नहीं होता है। ऑन वेदर मैप द सेंटर ऑफ एन एंटी साइक्लोन इज रिप्रेजेंट बाय द लेटर एच। तो हाई प्रेशर होता है सेंटर में तो उसे डिनोट किया जाता है एच लेटर से, और सेंटर में हाई प्रेशर होता है, सराउंडिंग में लो प्रेशर होता है, तो विंड ब्लो होती है सेंटर टू बाहर की तरफ जहाँ पे लो प्रेशर है, तो इस तरीके से विंड जो है ब्लो होती है। एंटी साइक्लोन्स आर विविडली एक्सपीरियंस इन अ हाई प्रेशर बेल्ट। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखे जाते हैं, जहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट्स होते हैं। विंड्स इन दिस रीजन आर ऑलवेज मूविंग आउट एंड हेंस द रेनफॉल इन सच एरियाज इज क्वाइट लो। तो इसके कारण जो है रेनफॉल वहाँ पे क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेमिंग द साइक्लोन्स। तो आपको भी पता है कि जो साइक्लोन्स आते हैं तो उनको कुछ ना कुछ तो नाम दिए जाते हैं। साइक्लोन्स ऑकरिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर असाइन डिफरेंट नेम्स। तो हर एक रीजन में, जिस रीजन में आता है तो उसके हिसाब से ही या फिर उसी रीजन के अकॉर्डिंग उसे नाम दिया जाता है। अ लिस्ट ऑफ नेम इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच ऑफ द ओशन और इट्स पार्ट। कि जिस ओशन में आता है तो उसके अकॉर्डिंग उसे नाम दिया जाता है। नेम्स इन द लिस्ट आर सजेस्टेड बाय द कंट्रीज इन द रीजन ऑफ दैट ओशन। इफ द विंड स्पीड इन द स्टॉर्म एक्सीड 33 नॉट्स मीन्स 60 किलोमीटर पर आवर
होता है द साइक्लोन इज असाइन अ नेम, तो इससे ज़्यादा स्पीड है या फिर इतना स्पीड अगर होता है साइक्लोन का तो उसे कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है। नेम्स मेक इट ईजियर फॉर अस टू रिमेंबर अ पर्टिकुलर स्टॉर्म। तो देखिए अगर साल भर में एक दो साइक्लोन आते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा, अगर चार साल बाद हम किसी साइक्लोन के बारे में अगर बात करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए साइक्लोन को अगर नाम दिया जाता है तो हम इजीली रिमेंबर कर पाते हैं कि हाँ इस नाम का कोई साइक्लोन आया था जिसके कारण काफ़ी नुकसान हुआ था, तो इसके लिए साइक्लोन्स को भी नाम दिए जाते हैं।